फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारी लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने ब्लूबेरी की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने के लिए कहा था, तो आज हम ब्लूबेरी की आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम ब्लूबेरीज, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी मलाई या आप क्रीम भी ले सकते हैं, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, 2 पीस ब्रेड, 1 गिलास दूध, 1 कप पानी और वनीला एसेंस। ये हमने एक बर्तन में 1 कप पानी ले लिया है। अब इसमें हम आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। और अपनी ब्लूबेरीज भी इसमें ऐड कर देंगे। हम इसका सिरप बनाएंगे। जब तक हमारा ब्लूबेरीज का सिरप तैयार हो रहा है, तब तक हम अपने ब्रेड के स्लाइसेस काट लेते हैं। अभी हम अपनी ब्रेड स्लाइड्स काट लेते हैं। जब हमारा सिरप तैयार हो रहा है, तब तक हम एक दूसरे बर्तन में 1 गिलास दूध डाल दिया है। अब इसमें हम ब्रेड की डाल देते हैं। हमने इसमें ब्रेड डाली थी, अब हम जो हमारी आधी कटोरी चीनी बची है इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे। ये देखिए, अब हमारा दूध थोड़ा थिक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी ब्लूबेरीज बिल्कुल पक चुकी हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारा दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी हमारी ब्लूबेरीज ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सर में डालकर इसका सिरप बनाएंगे। ये हमने ब्लूबेरीज को ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें अपना दूध का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने बनाया था। इसमें हम अपनी मलाई भी ऐड कर देंगे और मिल्क पाउडर। इसमें कुछ बूंदे वनीला एसेंस की डाल देंगे। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा बैटर बिल्कुल बनकर रेडी है, एकदम थिक हो गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे बंद करके 2 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है। ये देखिए, अब ये थोड़ी जम चुकी है। अब हम इसे अपना आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर देने के लिए एक बार मिक्सचर में डालकर दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे कंटेनर में निकाल देंगे। ये भी इसका बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अभी ये आइसक्रीम बैटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। अब इसे एक बार पैक करके इसके ऊपर हम फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए, और इसे ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट फ्रीज करने से हमारी जो आइसक्रीम है अच्छी तरह से जम जाएगी। अब हम इसे फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम को हमने पूरे ओवरनाइट फ्रीज करके अभी बाहर निकाल लिया है। अब खोल के चेक कर लेते हैं। अभी ये आइसक्रीम हमारी पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। आप भी बनाएं और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।